नमस्कार, हिमाचल अभी अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल की बेटी की कप्तानी में भारत को गोल्ड, एशियन गेम्स में कबड्डी टीम का हिस्सा है प्रदेश की 5 बेटियां। सीएम सुक्खू ने शोघी में विज्ञान अध्ययन एवं सृजन केंद्र का किया लोकार्पण, बोले राजीव गांधी भारत में लाए थे कंप्यूटर क्रांति। 3 महीने बाद शिमला पहुंची विस्टाडोम ट्रेन, पर्यटकों की डिमांड पर की शुरू। सिट्टू ने किया धरना प्रदर्शन, सरकार और प्रशासन को दी चेतावनी। किन्नौर में चौरा के पास हुआ भारी भूस्खलन, सड़कों पर आया भारी मलबा और पत्थर, NH5 अवरुद्ध। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया, मेहदी हसन का प्लेयर ऑफ द मैच। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल की बेटी रितु नेगी की कप्तानी में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने चीन में खेली जा रही एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। इसके बाद रितु नेगी के गांव शिलाई में जबरदस्त खुशियों का माहौल है। रितु के पिता भगवान सिंह नेगी ने बताया कि सांसें रोक देने वाले फाइनल मुकाबले को सुबह 7 बजे से ही गांव के सभी लोगों ने टीवी पर लाइव देखा। जीत के बाद मिठाई बांटकर सेलिब्रेशन हो रहा है। भारत को कबड्डी में स्वर्ण पदक दिलाने में प्रदेश की एक नहीं बल्कि 5 बेटियों का योगदान है। रितु नेगी के अलावा 4 अन्य बेटियां भी भारतीय कबड्डी टीम में शामिल हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला शिमला के शोघी में 11 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विज्ञान अध्ययन एवं सृजन केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित विज्ञान अध्ययन एवं सृजन केंद्र विज्ञान शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति लाने के साथ साथ विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होगा। पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी भारत में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्रांति के जनक हैं और आज उनके प्रयासों के फलस्वरूप देश सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर आज से विस्टाडोम रेल शुरू हो गई है। पर्यटकों की डिमांड पर इसे शुरू किया गया। बुकिंग के दौरान पर्यटक इसकी मांग कर रहे थे। विस्टाडोम ट्रेन आज दोपहर बाद तय समय से 7 मिनट बाद 12:37 पर पहुंची। पर्यटकों की मांग देखते हुए रेलवे प्रबंधन ने विस्टाडोम ट्रेन शुरू करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 3 महीने से अधिक के अंतराल के बाद चलाई जा रही है। इससे आने वाले दिनों में पर्यटन कारोबार बढ़ेगा। टूरिस्ट अधिक संख्या में सोलन और शिमला के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर पहुंच सकेंगे। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश भवन सड़क एवं अन्य निर्माण मजदूर यूनियन संबंधी सिट्टू ने शनिवार को श्रमिक कल्याण बोर्ड के मंडी जिला कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया तथा श्रमिक कल्याण बोर्ड अधिकारी के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव हिमाचल प्रदेश को ज्ञापन सौंपा। सिट्टू ने मांग की कि राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा पिछले 3 वर्षों से रोके हुए लाभ तुरंत जारी किए जाएं। पिछले 1 साल से मजदूरों के पंजीकरण और नवीनीकरण तथा अन्य सहायता राशि प्राप्त करने पर लगाई गई रोक हटाई जाए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में चेरा के पास आज भारी भूस्खलन हुआ, जिससे किन्नौर का शिमला से पूरी तरह से संपर्क कट गया है। वहीं नेशनल हाईवे 5 पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गई है। सुबह 8 बजे अचानक भारी भूस्खलन और पत्थरों के गिरने से नेशनल हाईवे बंद हो गया। शुक्रवार रात किन्नौर जिला के प्रवेश द्वार पर प्राकृतिक सुरंग के पास विशाल चट्टाने और अन्य मलबा सड़क पर फिसल कर आ गया, जिससे पैदल आवाजाही भी बाधित हो गई थी। हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों में सेब का मौसम अभी खत्म नहीं हुआ है। हाईवे के बंद होने से दोनों और ट्रकों की सहित बड़ी संख्या में अन्य वाहन भी फंसे हुए हैं। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को विश्व कप में 6 विकेट से हराकर अपने अभियान की शुरुआत जीत से की है। धर्मशाला के HPCA क्रिकेट मैदान में खेले गए इस मैच में बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। अफगानिस्तान की टीम 37.2 ओवर में 156 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में बांग्लादेश ने 34.4 ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बनाकर मैच को जीत लिया। मुकाबले में अर्धशतक लगाने के अलावा 3 विकेट लेने वाले मेहदी हसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।